भाजपा अध्यक्ष नड्डा बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में संपन्न व सशक्त राष्ट्र बन रहा है भारत। ब्रिटेन को पछाड़कर देश के पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का जिक्र करते हुए कहा, जरूरत पड़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक भी की गई और एयर स्ट्राइक भी। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के बयान का खंडन न करने के लिए खड़गे पर राहुल गांधी की निंदा की। राहुल गांधी की यात्रा को दिया भारत तोड़ो अन्याय यात्रा का नाम। धर्मशाला में आयोजित अभिनंदन समारोह में नड्डा ने राम मंदिर निर्माण पर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने को गौरव की बात बताया। हिमाचल से संबंध रखने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ब्रिटेन को पछाड़कर भारत के दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने को बड़ी उपलब्धि करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2027 तक हमारा देश थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड होगा। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले तक जहां भारत के भ्रष्टाचारी व कमजोर राष्ट्र की छवि देश विदेश में बन चुकी थी, वहीं पीएम मोदी के एक दशक के शासनकाल में अब भारत दुनिया भर में एक आत्मनिर्भर व मजबूत राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। सैनिकों की धरती कहे जाने वाले कांगड़ा जिला धर्मशाला में अपने संबोधन में भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2014 के बाद न केवल भारतीय सेना को गोली का जवाब गोली से देने की खुली छूट दी गई है, बल्कि दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए अब भारत सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है और एयर स्ट्राइक भी। नड्डा ने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण से जहां पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है, वहीं मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की उपलब्धि भी हासिल की है। 3 दिन पहले कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डीके सुरेश द्वारा दिए गए दक्षिण भारत को अलग देश बनाए जाने संबंधी बयान की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी को इस बयान का खंडन न किए जाने के लिए भी कोसा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम के भाई कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के इस बयान से जाहिर होता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचने पर मौसम खराब रहने के बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की ताल पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर व इंदु गोस्वामी तथा विपिन परमार सहित कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के कई बड़े भाजपा नेता मौजूद रहे। हमारा देश, भारत देश आज बदली हुई परिस्थिति में अपने आप को देख रहा है। एक समय में हमारे देश के बारे में धारणा थी, ये भ्रष्टाचारी देश, ये पिछलग्गू, लोगों के पीछा करने वाला, अपने पांव पर खड़ा न होने वाला, स्वाभिमान के साथ समझौता करके रहने वाला, इस प्रकार की देश की छवि बनी हुई थी। लेकिन 2014 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की कमान को संभाला और प्रथम सेवक के रूप में देश की सेवा शुरू की, तो आज हम कह सकते हैं गौरव के साथ कि बदली हुई परिस्थिति में भारत गौरवशाली देश के रूप में खड़ा हुआ है। एक विकास की ओर छलांग लगाने वाला देश खड़ा हुआ है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाला देश बना है। दुनिया भी आज भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को पूरी संजीदगी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ सुनती है और देश की बात आज दुनिया सुनती है। यह बदली हुई परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। एक ही रवैया, एक ही रास्ता इनका है। आजकल ये हमारे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर, न्याय यात्रा पर निकले, मैं इसको बोलता हूं कि यह भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, 3 दिन पहले मेंबर पार्लियामेंट, पत्रकार नोट कर लें, डीके सुरेश, जिसका भाई डीके शिव कुमार कर्नाटक का उप मुख्यमंत्री है, और ये डीके सुरेश जो मेंबर पार्लियामेंट है वो क्या कहता है कि जीएसटी का पैसा दक्षिण भारत ज्यादा देता है और उत्तर भारत पर ज्यादा खर्च होता है और ये हमारे लिए अन्याय है। वो भूल जाता है कि भारत एक है, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब एक है। वो कहता है कि दक्षिण के लोग ज्यादा जीएसटी देते हैं और ये उत्तर में खर्च होता है। आने वाले समय में मैं अलग देश की मांग करूंगा, ये डिमांड डीके सुरेश मेंबर पार्लियामेंट
कांग्रेस पार्टी उठाती है। परसों ये स्टेटमेंट दी है, कल खड़गे साहब राज्यसभा में एक घंटा तीस मिनट बोले, एक शब्द नहीं बोला, एक वाक्य नहीं बोला। वो खुद कर्नाटक से आते हैं, ऐसे देश चलता है क्या? हमारा कोई नेता ऐसा बोल सकता है क्या कि हम अलग देश बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी उसका खंडन न करे? आज कांग्रेस पार्टी में कोई खंडन करने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी चुप, सोनिया गांधी चुप, खड़गे साहब चुप, अधीर रंजन चौधरी चुप। ये कैसे कैसी पार्टी है बोलो? ये भारत जोड़ने निकले या तोड़ने निकले? जो अलग देश की डिमांड करता हो और उसको पार्टी मना नहीं करती हो, वो तोड़ो यात्रा पर निकली है या जोड़ो यात्रा पर निकली है? आज हमारा देश, भारत देश, आज बदली हुई परिस्थिति में अपने आप को देख रहा है। एक समय में हमारे देश के बारे में धारणा थी, ये भ्रष्टाचारी देश, ये पिछलग्गू, लोगों के पीछा करने वाला, अपने पांव पर खड़ा न होने वाला, स्वाभिमान के साथ समझौता करके रहने वाला, इस प्रकार की देश की छवि बनी हुई थी। लेकिन 2014 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की कमान को संभाला और प्रथम सेवक के रूप में देश की सेवा शुरू की, तो आज हम कह सकते हैं गौरव के साथ कि बदली हुई परिस्थिति में भारत गौरवशाली देश के रूप में खड़ा हुआ है, एक विकास की ओर छलांग लगाने वाला देश खड़ा हुआ है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाला देश बना है। दुनिया भी आज भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को पूरी संजीदगी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ सुनती है और देश की बात आज दुनिया सुनती है। यह बदली हुई परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। हम यहीं के रहने वाले हैं, हमारे फौजी भाई हैं, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, ये नाम भी आपको याद होंगे। जब पुंछ पर, बॉर्डर पर गोली चलती थी तो उस समय वहां का फौजी नगरोटा सूचना देता था और नगरोटा चंडी मंदिर सूचना देता था और चंडी मंदिर दिल्ली को सूचना देता था और दिल्ली से सूचना आती थी, अभी ठहरो, अभी रुको, जब ऑर्डर आएगा तब गोली चलाना। ये भी हमारे फौजी भाइयों ने देखा है। और 2014 के बाद अब ये तय हो गया है, जिस झुरमुट से, जिस जंगल से, जिस पेड़ के पीछे से गोली चले, जब तक उस व्यक्ति को शांत न कर दिया जाए तब तक वापस न आना। ये तरीके का संघर्ष है। कभी सोचा था, नाम सुना था 2016-17 के पहले सर्जिकल स्ट्राइक का? कभी सोचा था कि ऐसे भी सर्जिकल स्ट्राइक होता है? तुम आंख उठाओगे तो आंख फोड़ दी जाएगी।